नमस्कार, जय हिंद। मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। डीडीसी के चुनाव में घाटी में नया इतिहास, नया कीर्तिमान रच गया। जहां कभी तिरंगे जलाए जाते थे वहां भगवा लहराया, जहां कभी चुनाव के बहिष्कार होते थे वहां पर सकुशल चुनाव संपन्न हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लिया। और यही नहीं, उन्होंने भगवा थामा, लोकतंत्र की जीत हुई, जमहूरियत की जीत हुई। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां पर लोकतंत्र हुआ है, लोकतंत्र स्थापित किया हुआ है। इससे पहले तो सिर्फ चुनाव में बहिष्कार किए जाते थे, दंगे होते थे, खून खराबा होता था, बीजेपी के वोट जो प्रत्याशी थे उनकी हत्याएं होती थी, लेकिन इस बार बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताया गया है। ये बदलाव जो आया है इसके पीछे अमित शाह और मोदी का मास्टरमाइंड है। मैं पूरी खबर में आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से अमित शाह ने नया कीर्तिमान रचा है, कैसे अमित शाह ने घाटी को, कश्मीर को बदला है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आज आपको नया कश्मीर दिखेगा, इसमें आज आपको बदला हुआ कश्मीर दिखेगा, इसमें आज आपको लोकतांत्रिक कश्मीर दिखेगा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में संपन्न हुए जिला विकास परिषद के चुनाव ने अपने परिणाम के बाद केंद्र की मोदी सरकार को एक सकारात्मक उम्मीद दे दी। कभी चुनावी बहिष्कार के दिन देख चुके जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के इलेक्शन में लोगों की भागीदारी देखने से एक ओर जहां केंद्र सरकार उत्साहित है, वहीं दूसरी ओर सरकार को 370 के अंत के बाद हुए चुनाव के परिणाम से राज्य का जीवन पटरी पर लौटता दिखने लगा है। ये सारी चुनाव उस पृष्ठभूमि पर हुए हैं जिसमें 370 के अंत के बाद घाटी में उमड़ी अनिश्चितता और तमाम राजनीतिक बयान देखे गए थे। अब इन सब के बीच राजनीतिक गतिविधियों की कहानी एक सकारात्मक कदम जैसी है। केंद्र सरकार के एक बड़े अफसर कहते हैं, एक वक्त में पाकिस्तान की क्रिकेट मैच में जीत पर भी कश्मीर की गलियों में आतिशबाजी होती थी, आज स्थिति वैसी नहीं है। कश्मीर में राजनीतिक विरोध के बावजूद गुपकार अलायंस से लेकर हर राजनीतिक पार्टी ने चुनाव की प्रक्रिया और इसके फैसले का खुले मन से स्वागत किया है। लोगों ने एक बड़ी संख्या में चुनाव में अपने वोट डाले और सब शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। इस चुनाव ने केंद्र के मन में विधानसभा चुनाव को लेकर एक उम्मीद जगा दी है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में असेंबली इलेक्शन कराने को लेकर भी फैसले हो सकते हैं। ये बताता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम सिर्फ जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और विकास को लेकर अपना जनादेश देना चाहती है। सभी पार्टियों का चुनाव में उतरना भी सकारात्मक कदम रहा। केंद्र के तमाम नौकर साहब यह कहते हैं कि कश्मीर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों का साथ आना राज्य के विकास के लिए एक शुभ संकेत है। ये वही कश्मीर है जहां कुछ वक्त पहले पंचायत चुनाव में मुख्य दलों ने हिस्सा नहीं लिया था। ऐसे में सभी पार्टियों का डीडीसी चुनाव में साथ आना लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने जैसा है। केंद्र सरकार के मंत्री और राज्य की उधमपुर सीट से सांसद जितेंद्र सिंह कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के परिणाम बीजेपी के पूरे राज्य के लिए सकारात्मक हैं। जितेंद्र सिंह का कहना है कि डीडीसी चुनाव ने बीजेपी को जम्मू कश्मीर के हर हिस्से की पार्टी बना दिया है। कश्मीर में भी पार्टी की सफलता एक सुखद संकेत है। जहां कभी मतदान नहीं होता था वहां पर जमकर वोटिंग हुई, ये कश्मीर है। कश्मीर में जहां कभी मतदान नहीं होता था, चुनाव का बहिष्कार किया जाता था, वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं केंद्र के अफसर वोटों की एक बड़ी भागीदारी को भी एक अच्छे संकेत के रूप में देख रहे हैं। कश्मीर घाटी के जिन इलाकों में पंचायत और लोकसभा चुनाव में बेहद कम वोटिंग हुई थी, आज वहां सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिली। वहां डीडीसी चुनाव में पहले की अपेक्षा अच्छा वोटर टर्नओवर देखने को मिला। मसलन श्रीनगर शहर में जहां लोकसभा चुनाव में कुल 7.9% और पंचायत चुनाव में 14.5% वोट पड़े, वहीं डीडीसी चुनाव में 35.3% मतदान हुआ। इसके अलावा पुलवामा के अवंतीपुरा में लोकसभा चुनाव में कुल 3% और पंचायत चुनाव में 0.4% वोटिंग हुई। इसकी अपेक्षा डीडीसी चुनाव 9.9% वोटिंग हुई। ऐसे में ठंड के मौसम के बावजूद लोगों की चुनावी प्रक्रिया में इतनी बड़ी भागीदारी को लेकर केंद्र काफी उत्साहित नजर आ रहा है। और केंद्र उत्साहित क्यों ना हो, क्योंकि केंद्र ने जो सोचा था वो सोच जमीनी स्तर पर खरी उतरी। केंद्र की सोच थी कि जम्मू कश्मीर को
वो पहले वो कश्मीर जहां पर खून खराबे होते थे, दंगे फसाद होते थे, आतंकवाद अपने चरम पर था, उस कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित हुआ, उस कश्मीर में वोटिंग हुई। आपके सामने से पहले वीडियो आई होगी जहां जिस उस वीडियो में आपने देखा होगा कि सीआरपीएफ के जवान पोलिंग बूथ पर वोटिंग कराने के लिए ईवीएम मशीन को लेकर जाते हैं। ऐसे समय में कश्मीर के कुछ युवक सीआरपीएफ जवानों पर हाथापाई करते हैं, उन पर हाथ लात घूसों की बरसात करते हैं। ये वो समय था जब घाटी में जवान भी सुरक्षित नहीं थे, सुरक्षा बल भी सुरक्षित नहीं थे। आज वो वही जगह है जहां पर चुनाव करा दिया गया, एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ, एक भी पोलिंग बूथ पर लूट मार नहीं हुई। ये वो जगह है जहां पर कभी क्रिकेट मैच होते थे, पाकिस्तान जीत जाता था तो पाकिस्तान की जीत में कश्मीर में गोले दागे जाते थे, खुशियां मनाई जाती थी, मिठाइयां बांटी जाती थी। आज उसी कश्मीर में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है, उसी कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। आज उसी कश्मीर ने एक नया कीर्तिमान रचा है, और ये कीर्तिमान ऐसे समय में रचा गया है जब पाकिस्तान और भारत के बीच में सबसे ज्यादा तनाव है। बॉर्डर पर आए दिन सीज फायर होता है, बॉर्डर पर आए दिन गोलाबारी होती है। ये ऐसे समय में हुआ है जब एक साथ हिंदुस्तान चीन पाकिस्तान जैसे देशों से लोहा ले रहा है। केंद्र ने जो सोचा था आज उस सोच पर कश्मीर जनता खरी उतरी है। गुपकार गैंग की बत्ती गुल हो गई है, गुपकार गैंग में अंधेरा छा गया है, गुपकार गैंग की साजिश विफल हो गई है। अलगाववादी सोच रहे थे कि फिर से एक बार वो अलगाववाद का ताना बाना बुनेंगे, लेकिन एक बार फिर से उनकी साजिशें विफल हो गई हैं, एक बार फिर से वो अपने मंसूबों में नाकाम हो चुके हैं। एक और बड़ी वजह है कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित होने का, केंद्र ने 370 धारा के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं पर बजट दिया है तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाने का जो सपना कश्मीर ने देखा है, उस सपने पर कि जो है कश्मीर खरा उतर रहा है। कश्मीर का बच्चा जब पहली बार आंख खोलता है और मरते दम तक सिर्फ उसने खून खराबा देखा था, आतंकवाद देखा था, भारतीय सेना की टुकड़ियां देखी थी, लेकिन अब कश्मीर का बच्चा विकास देखना चाहता है, कश्मीर का बच्चा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल देखना चाहता है, कश्मीर का बच्चा खुशियां देखना चाहता है, कश्मीर का बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, कश्मीर भी अन्य राज्यों की तरह अपने आप को बहुत ऊपर ले जाना चाहता है। इसलिए आज कश्मीर की नई युवा पीढ़ी ने बढ़ चढ़कर वोटिंग किया। कश्मीर की जनता ने आज दिखा दिया कि अगर केंद्र की सोच अच्छी हो, अगर केंद्र की सोच अच्छी हो तो किसी भी राज्य में लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है, अगर केंद्र चाहे तो किसी भी राज्य में खुशियां लाई जा सकती है, चाहे वो क्यों ना जम्मू कश्मीर हो। मैं चाहूंगा कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।